आज जो ये हम प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं ये मटन के हवाले से है। पिछले हफ्ते जो मटन की रेट यहाँ पर मेंशन हुई होलसेल में 495 रुपये बगैर ओजड़ी कलेजी वगैरह, और रिटेल में यही रेट हुई 535 रुपये बगैर उजड़ी कलेजी वगैरह, और रिटेल में एक और रेट बढ़ गई 490 रुपये जिसमें कलेजी भी 60 डाल दिए हैं और पेटी भी डाल दिए हैं 100 ग्राम किलो में। इस हिसाब से ये रेट बनी है। अब इस वक्त जो हमारे होलसेल हजरात है उन्होंने ये रेट खुद बनाई है, वहाँ पर उस वक्त उन्होंने ब्रेकअप भी पेश किया गवर्नमेंट के सामने और इसी रेट पर उनकी रेट 495 हुई। मगर क्या वजह है इस वक्त वो माल नहीं ला रहे हैं, वो माल आने में कायल है, दुकानदारों को तंग तलफी कर रहे हैं कि कलेजी भी इसमें साथ है जबकि कलेजी वगैरह इसमें नहीं है। तो इस हिसाब से दुकानदार बेचारा भी इस वक्त मजबूर है, 4 महीने के बाद उन्होंने दुकानें खोली। इस हिसाब से अगर उनको 30 रुपये किलो में बनते हैं तो 40 रुपये उन्होंने रखे हैं, उसमें तो खर्चा 20 रुपये का आता है, फिर भी उन्होंने 20 रुपये पर गुजारा किया, गुजारा करना शुरू कर दिया। मगर कोठीदार हजरात इस वक्त बहाने नित्य बहाने बना रहे हैं। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वो ये इसको फ्री ट्रेड बनाए, हर एक लाया, अगर हर एक दुकानदार खुद ये लाएगा तो उससे भी एक तो ये माल आएगा और सही माल भी आएगा और अपनी दुकानों पर इसी रेट पर वो भेजेंगे, क्योंकि चंद लोग जिन्होंने 2 ही दिन 4 ही दिन में अपनी फसल दिखाई, उन्होंने 4 ही दिन में भी, एक हफ्ता भी नहीं है, आप देखिए मार्केट में किसी जगह गोश्त नहीं है, उन्होंने एक बार 4 गाड़ियाँ 2 गाड़ियाँ 3 गाड़ियाँ इस पर भी ये दुकानदारों को तंग करते हैं। तो इसलिए हम गवर्नमेंट से भी इंतजामिया से अपील करते हैं कि वो इस तरफ से एक कदम भी उठाए, इनकी तरफ से क्या वजह है कि ये रेट उसको ये उन रेटों पर मुकर गए जो इनसे मुकर करके दिए। जो रेडू साहब ने भी कहा है रेट के हवाले से 495 रेट जो हुई कोटदार एसोसिएशन के साइड से, वो माल देगा रिटेल शॉप वालों को, डिविजनल इंतजामिया के सामने ये फैसला हुआ कुछ दिन पहले, जिस टाइम हमें ऐलान किया ये हड़ताल अब ख़त्म हुआ। मगर बदकिस्मत की बात है जो हमारी इंफॉर्मेशन इस वक्त आ रही है, जो कोटदार एसोसिएशन की जिम्मेदारी है रेट के हवाले से, वो उसमें उन पर कमिटमेंट पूरी नहीं कर रही है कोटदार एसोसिएशन, ये अफसोस का मुकाम है। जो कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस ने उस टाइम रेट निकाली थी, इस ब्रेकअप पे मेंशन है, जो हमने डिवीजन इंतजामिया को भी पेश किया है इसमें मेंशन है 400 रुपया इसका बनता है हर एक आइटम को जो वहाँ से निकलता है बेल्डू को अंदर से, लिहाजा करके कोटदार एसोसिएशन को इस चीज़ पे अमल करनी चाहिए, कलेजे के बगैर रिटेल शॉप वालों को माल मिलना चाहिए 495 रुपया, मेरे ख्याल से तभी ये मार्केट में 535 रुपया बिकेगा, ताकि पब्लिक को भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, कस्टमर को भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। एक कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस की साइड से ही